हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को मैजिक इंस्टीट्यूट के पास का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर यूज होता है मिल्टन के साथ घूम रहा होता है। मिल्टन बोलते हैं, योर हाइनेस, अगर आप वापस जाना चाहते हो अपने रेसिडेंस में तो आप जा सकते हो, लेकिन आपका जो रूम है वो कमरा है वो इस डायरेक्शन में नहीं है। ये बोलता है कि मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। बोलता है ठीक है तो मैं जाता हूँ, ये बोलता है ठीक है। साथ ही वहाँ से चला जाता है। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं शुरू से गलत था, मुझे शुरू में लग रहा था कि यहाँ का जो बंदा जिसके बारे में रेस्टोरेंट लॉर्ड बोल रहा है वो कोई पोस्टल है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि वो लोग उसे सेवियर का नाम दे रहे हैं, और अगर वो एक पोस्टल होता तो उसको किसी इंसान की मेडिसिन के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद को खुद बचा सकता था। वही सब सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की फिर से आ जाती है, जूली फिर से आ जाती है, बोलती कि हनी, और आती है यू को गले से लगा लेती है। ये बोलता है जूली तुम, वो ये सब बोल ही रहा था, लेकिन जूली बोलते है कि हनी तुम यहाँ पे खुद आ गए मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, मतलब मेरे साथ घूमने के लिए। ये बोलता है जूली आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, लेकिन बोलती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ये सब एक्सप्लेन करने की, मैं जो कर रही हूँ बस तुम मेरे साथ थोड़ा देर कोऑपरेट करो। ये बोलते अच्छा एक्टिंग है, एक्टिंग है, ठीक है मैं समझ गया। वहाँ पे एक बंदा आता, बोलता है कि जूली मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको, हाँफ रहा होता, लेकिन वो बंदा वहाँ पे आता है तो देखता है कि तुम यहाँ से अचानक मेरे पास से भागने क्यों लगी। लेकिन वो जैसे देखता है यू को और जूली को साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है, और जूली से बोलती है कि देखो देखो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ से ले जाने आया है तो तुम मेरा पीछा मत करो। दोनों बोलते बॉयफ्रेंड, साथ ही यू जो होता है उसकी तरफ अजीब चेहरा बना के देख रहा था। जूली बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, ये बात याद रखना। वो बंदा बोलता है कि रुक जा, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है पर मैंने इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना था। जूली बोलती है अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो ये मेरा बस बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे भी है, और इसने मुझे ग्रेजुएशन का गिफ्ट देते हुए मुझे बोला कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो ये मुझसे शादी कर लेगा, मेरे साथ इंगेज हो जाएगा। यू बोलता है इंगेज, ऐसा मैंने कब कहा। साथ ही बोलता है कि ये रिंग तुम्हारा तो वही रिंग है ना, वो उसको मतलब बात कंप्लीट करने नहीं देती और वापस से लेकर वहाँ से जाने लगती है। और बोलते चलो ठीक है हम लोग एक डेट पर जा रहे हैं अपने फियांसे के साथ, तुम यहाँ से चले जाओ। साथ वो लोग वहाँ से जा जा जाता है। ये बोलता है रुक जा, तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे थे, तुम मुझे बॉयफ्रेंड फियांसे सब कुछ क्यों बुला रहे थे। जूली बोलती है बस एक्टिंग था, तुम्हें इन सब को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुमने मेरे जो डिसएडवांटेज था उसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज उठा लिया, मेरे जो सिचुएशन था उसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज उठा लिया है, और इन सब के लिए तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। ये बोलता है क्या इन सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बोलते चलो ठीक है मैं मजाक कर रही थी। तभी वहाँ पे एक बंदा आता, बोलता है गुड इवनिंग मिस्टर यू, वो श्री लॉर्ड होता है। श्री लॉर्ड वहाँ पे आता है, बोलता है मुझे लगता है कि आप जो मेरे सरप्राइज से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। ये बोलते सेटिस्फाइड, हाँ तुम एकदम टाइम पे आ गए, जल्दी जल्दी आओ और इसको मुझसे दूर ले जाओ। वो अपनी बात बोल रहा था लेकिन वो उसको मतलब कि हाथ को दाब देते जिससे कि वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता है, और बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। सिटी लॉर्ड बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना मिस्टर यू कि आप सेटिस्फाइड हो गए। यही सब कुछ बात था जो कि कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और साथ ही बोलता है कि जूली मैं भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जूली बोलती है कि अच्छा अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो कि इतने टाइम से मुझसे क्या छिपा के रखा था, जल्दी बता दो। ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे किसी मेडिसिन के बारे में पूछने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इन सब को किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। चिचलट बोलता है कि हाँ मिस्टर रेस्टोरेंट ने मुझसे कहा है कि आप उस मेडिसिन को बना सकते हो, तो क्या आप सच में उस मेडिसिन को फिनिश कर सकते हैं। ये बोलता है क्या तुम अब मुझ पे डाउट कर रहे हो। बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं फिर भी खुद से कंफर्म करना चाहता था जो कि रेस्टोरेंट ने मुझे बताया था। ये बोलते तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोग से झूठ नहीं कहने वाला क्योंकि मैं भी तुम्हारे जो लॉर्ड है उनसे मिलना चाहता हूँ। श्रीटर बोलता है ऑफ़ कोर्स, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। साथ ही वो सामने देखता बोलता है कि अंत में मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ छोटी सी लड़की जूली, अंत में अगर उस जो पार्टिसिपेट करने वाली हो जिस तुम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में उसमें तुम एक्सेप्शन बना के तुम्हें भेज रहा हूँ, अगर तुमने हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम समझ लेना, और तुम जो ग्रेजुएशन है वो भी पास नहीं करोगी। जूली बोलती है कि हाँ तुम इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग का जो एग्रीमेंट था उसको मत भूल जाना। बोलता है ठीक है अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारा जो एग्जीबिशन होने वाला है। ये बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों गई अचानक से। बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती हूँ तो इसका स्टैचू जो था स्कूल लेजेंड में
जिस मतलब कि ये अभी तक हमारे स्कूल का टॉपर था, तो इसका जो पोजीशन था वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। ये बोलते अच्छा स्कूल की बात ये सब है, वो बोलते कि हाँ क्योंकि इस बंदे ने रिकॉर्ड बनाया कि अभी तक मैजिस्ट्रेट से बस यही ग्रेजुएट हुआ है, वो भी सेकंड क्लास प्रोजेक्ट के साथ, और मैं फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये बोलते अच्छा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाकी सब भी पास हुए लेकिन किसी ने भी सेकेंड क्लास का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, और तुम इकलौती हो जो कि फर्स्ट क्लास का प्रोजेक्ट बना के पास करना चाहती हो। चलो ठीक है, इसलिए मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो बोलती कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ये मत भूलना कि अगर अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तब भी मैं ये सब कर सकती हूँ। ये बोलते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है, और वैसे तुम्हारे जो फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट है वो क्या है, बोलती एक परफेक्ट पीस ऑफ अल्टीमेट वेपन। अल्टीमेट वेपन का नाम सुनते ही यू शॉक हो जाता है, और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे वो दिखाओगी, बोलती हाँ ठीक है। साथ ही वो अपना जो लैब होता है वहाँ पर उसको ले जाती है, बोलती यहीं पर देखो यहाँ पर वो मिलेगा, मैंने इस जगह को काफ़ी लंबे समय से साफ़ नहीं किया, हो सकता है ये थोड़ा गंदा होगा। वो जैसे वो शटर को उठाती, अंदर सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकी हुई होती है, और बोलती है इन सबसे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। यू बोलते हैं नहीं मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। साथ ही बोलती है मुझे लगता है यहाँ पे सफाई की काफ़ी ज़रूरत है, मैं जब तक उस चीज़ को ढूंढूंगी आप थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाके बैठ जाओ। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है। साथ ही मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा गंदा है कि मैं कहीं पर जा पे बैठ भी नहीं सकता। साथ ही वो जितना भी बुक मतलब बेकार का सामान होता है उन सबको फेंकना स्टार्ट कर देती। बोलती फाइनली मुझे वो मिल गया, बोलती टड़ा देखो ये मेरा अल्टीमेट वेपन है। वहाँ पे एक कुछ मतलब पंख की तरह का कुछ होता है, ये बोलता है ये तुम्हारा अल्टीमेट वेपन है जिसके बाद तुम बात कर रही थी। बोलती हाँ क्या तुम्हें इससे कोई मसला है, बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। साथ ही वो मन ही मन बोलता है कि ये तो वो अल्टीमेट वेपन नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा था। लेकिन साथ ही उसकी नज़र नीचे पड़े एक एरोप्लेन के ऊपर जाती है, वो बोलता है ये क्या है। साथ ही वो उठा लेता है तो मिस जो जूली होती है उसे बताती है कि फर्स्ट क्लास का प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं एक ओरिजिनली फ्लाइंग मशीन बनाना चाहती थी जो कि वेपन को अपने ऊपर कैरी कर सके, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने उसको गिव अप कर दिया। ये उस जो एरोप्लेन होता है उसको उठा लेता, बोलता है सिविलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन लोगों का प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही वो उससे पूछता है कि जूली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। मैंने सुना था कि यूनाइटेड नेशन में 500 साल से मतलब लगभग 500 साल पहले कुछ बहुत अजीब टेक्निकल सिविलाइजेशन लोग यहाँ पे आए थे और कुछ अजीब अजीब हरकतें हुई थी। बोलते कि तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता। बोलती अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम किसी और देश से कंट्री से आए हो। वो बताती है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ था जब एक बैटल सेल्फिया और ह्यूमन के बीच 300 साल पहले स्टार्ट हुआ था। वो बैटल 300 साल पहले हुआ था तो ह्यूमन जो थे वो सेल्फिया के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, और वो बैटल जिस जगह पर हो रहा था उस जगह पर अभी यूनाइटेड नेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि इस समय भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। और वो जो बैटल था वो काफ़ी लंबे समय से चला था जिसके वजह से जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, और जिसके बाद जो यूनाइटेड नेशन बाकी के कंट्री से काफ़ी पीछे चल रहा था वो और ज़्यादा पीछे धकेला गया था। लेकिन स्काई का जो अंत है वो कभी नहीं होता, और इस वॉर के बाद एक अजीब सा मिस्टीरियस लॉर्ड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में आए, और उस लॉर्ड ने यहाँ पे आने के बाद अपनी लीडरशिप के अंदर पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन को रिवोल्ट किया। यहाँ के सारे घर सारे जो भी कंट्री है उसको अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी जल्दी रिबिल्ड किया, और 300 साल के अंदर ही ये जो कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये बोलते हैं ये मिस्टीरियस लॉर्ड आखिर तुम किस बंदे के बारे में बात कर रही हो। बोलती कि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बस इतना पता है कि एक मिस्टीरियस लॉर्ड आया था। ये बोलता है कि ये जो मेडिसिन है वो थर्ड जनरेशन सिविलाइजेशन का है, और जो वेपन है वो भी थर्ड जनरेशन सिविलाइजेशन का है, तो ये लॉर्ड जो होता है वो भी मुझे लगता है कोई अपोस्टल होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर जहाँ पे रिजल्ट में पहुँच रहा हूँ वो सारे के सारे रिजल्ट उस सेलिया के बैटल से बिलोंग करता है। क्या इन सब का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का लॉर्ड जो है वो सेलिया हो सकती है। लेकिन तब उसके पीछे से बोलती है कि मेरा जो ग्रेजुएशन एग्जीबिशन होने वाला है वो 10 दिन में होने वाला है तो तुम उसको मिस मत करना। लेकिन यू साफ मना कर देता, बोलता है नहीं मैं वहाँ पे नहीं आ सकता। बोलती क्यों, वो काफ़ी गुस्से के साथ उसके गले पड़ जाती, बोलती आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यू बोलता है कि इतने सारे दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे पता चल गया और मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जाल में फिर से नहीं फंसने वाला। वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वहाँ पे आना होगा, अगर तुम वहाँ पे नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, वो भी कभी भी। साथ उस धक्का देके उसे बाहर निकाल देती और बोलती है कि एनीवे तुम्हें वहाँ पे आना होगा और तुम आओ के साथ ही वो शटर को अंदर से बंद कर देती है। यू बाहर निकल जाता, बोलते हैं व्हाट द हेल, इसने तो मुझे इतनी रात को बाहर निकाल दिया, मैं
कहाँ जाऊँगा, और इसका जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।